समय देखना, समय के साथ साथ इनको चुनौती देने वाले लोगों का देखना। हमारे पहलवान मालिश करके तैयार हो रहे हैं और जल्दी मैदान में कूद पड़ेंगे। सर ओएसी साहब बड़े बड़े रेसलर उतारेंगे अब इन दोनों सीटों पर। हम धरती के पुत्रों को उतारेंगे, हम उन लोगों को उतारेंगे जो बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात को कहते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वसुंधरा जी का भी नाम घोषित हो गया। अब जो क्या अनहोनी बात है, वसुंधरा जी नेता है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अब मजबूती कितनी ज्यादा मिल सकेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर है उनके नाम घोषित हो चुके हैं। मजबूती पहले से ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल अपने हर बूथ पर फोटोयुक्त कमेटियां तक बना डाली, पन्ना प्रमुख तक बन गए और कांग्रेस का संगठन थैले से डोटासरा जी के थैले में डबल चैन में कैद रहा, वहां से निकला ही नहीं। एक बार निकला और जंबो जेट की तरह कुछ सचिव बनाए और वो फिर बैक टू द पवेलियन जब आरोप लगे तो वापस आ गए। अधिकतर मंत्रियों को पहली सूची में जगह नहीं मिल पाई। प्रताप सिंह खाचरिया उनको जगह नहीं मिल पाई, ऐसे तमाम मंत्री हैं। ये घबराहट की निशानी है। मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में युद्ध है। युद्ध के अंदर एक तरफ सेना नायक खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान खाली है। आओ युद्ध सजा हुआ सामने आओ ना, उनको दे रहे कह रहे हैं अकस्म उतार रहे थे ना मैदान में उम्मीदवार। अब क्यों चुप क्यों हो? गलोत साहब चुप क्यों हैं, डोटासरा जी चुप क्यों हैं? आओ एक दिन भी क्यों जाया करते, आओ मैदान में उतरो। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें काफी विरोध रहा, लेकिन कोई विरोध नहीं तो उसमें क्या केंद्र की तरफ से कुछ इस तरीके से रणनीति बनाई गई और कुछ कोई विरोध नहीं।